हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास एकदम सफलता की ओर। टैगलाइन हमारा आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए जूनियर इंजीनियर प्रैक्टिस सेट 5। कौन सा होने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर? आज होगा 5, जो आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बाकी जितनी भी सभी ब्रांचें हैं उनमें जो हमारा प्री एग्जाम होगा, उनमें हमारा प्री एग्जाम जो होगा उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, करा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और प्रैक्टिस सेट में आप सभी को पता है कि हम अभी तक आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो 5 आज जो होना है वो 5वां प्रैक्टिस सेट होना है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का आज पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, वो होगा आपका ये वाला। क्या दिया है क्वेश्चन? दिया है आपको एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंक की थी? क्या पूछा है आपसे कि जो हमारी परीक्षा थी वो कितने अंक की थी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अब हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, एक एक क्वेश्चन सभी लगभग लगभग चारों प्रैक्टिस सेट में आपको मिला है आपको कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो इस क्वेश्चन को जो हमें करना है वो क्या पूछ रहा है, कितने अंक की थी ये पूछा है, और 63 अंक प्राप्त किए, जो कितने के बराबर है, 84% के बराबर है। क्या आपको 84% के बराबर? तो आपको यहां से निकालना है कि आपको यहां से 100% ही तो निकालना है, आपको यहां से 100% निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे? ये आपका 63 कितना था, 84 गुणा 100, ये आपको निकालना है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 25, 4 से 25 बार, और 4 से कितनी बार हो जाएगा, 4 दुनी 8, ये एक बार, ठीक है। अब किससे, 7 से कर दीजिए, 7 से 3 बार, और 7 से ये 9 बार, और 3 से ये 3 बार। तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 थी 75। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। कितना करते हैं, 40 दिन में पूरा करते हैं। हम यहां लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल कितना, 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 1/40 हम कर दें, ठीक है। उसके बाद में बी और सी 30 दिन में करते हैं, बी और सी कितने में करते हैं, बी और सी उसको कितने में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए उस काम को 24 दिन में करते हैं। सी और ए कितने में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये उनका एक दिन का कार्य आ रहा है। क्या आ रहा है, ये उनका एक दिन का कार्य आ रहा है। अगर हम यहां से तीनों का कार्य निकालें, यहां से आप लिखो तीनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो क्या होगा, 2a + b + c, क्योंकि हमें क्या ये सभी क्या मिलेगा, 2a 2b 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, और क्या करना है आपको, ये सबको जोड़ना है, 1/40 + 1/30 + 1/24। इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा हमारा एलसीएम, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा टोटल, ये आपका आएगा 1/20, ठीक है। मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको यहां से चलिए देगी कैसे करेंगे, 120 आया, तो 40 से कितना, 3 बार, 30 से कितना, 40 बार, और ये 24 से कितना, 5 बार। तो कितना आया, 5 × 9 = 12, 1/120, तो कितना आया, 1/10 आया। यहां से क्या निकल के आया, 10 आया। अब ये जो 2 है, 2 इधर किस में आएगा, गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
एक बटे बीस कितना हो जाएगा, एक बटे बीस आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से a का कार्य निकालो, a का कार्य, a का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, एक बटे बीस माइनस एक बटे तीस, एक बटे तीस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साठ एलसीएम, बीस तीन माइनस के दो, एक बटे कितना, एक बटे साठ, एक बटे साठ, मतलब ए का जो कार्य आ गया वो कितना आ गया, साठ दिन का आ गया। कितना आ गया, ए का साठ दिन आ गया। अब आपको ऑप्शन ऐसा ढूंढना है कि ए का कितना आ गया, साठ आया, साठ वाला केवल कौन सा ऑप्शन है, केवल ए की ऑप्शन है, ए बी सी वाला, कौन सा, सी वाला। तो आपका आंसर यहीं से आपका निकल के आ जाएगा, बाकी सबका निकालोगे आपका निकलता हुआ चला आएगा। ठीक है, किसी का भी निकाल दीजिए आप, यहां से सबका निकाल दीजिए अलग अलग, सभी को, सभी का आपको निकालना है। ठीक है, देखो एक बटे ये तीस हमने क्यों घटाया है, यहाँ पे एक बार ये देखिए कि एक बटे तीस क्यों घटाया है, क्योंकि बी प्लस सी इक्वल क्या है, एक बटे तीस। तो यहीं से तो ए का निकालोगे आप, जब बी का निकालोगे तो बी नहीं होना चाहिए, एक बटे चौबीस घटाओगे आप एक बटे बीस से, एक बटे बीस से एक बटे चौबीस घटाओगे, और जब सी का निकालोगे तो कितना घटाओगे, एक बटे चालीस घटाओगे। ठीक है, तो सबका कार्य निकलता हुआ आ जाएगा, तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या है आपका, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। कुल संख्या आपको निकालिए कि कुल संख्या कितनी हो सकती है, अनुपात कितना दे रखा है आपको, अनुपात दे रखा है आपको 3:2। ठीक है, कुल संभावित संख्या, कुल संभावित संख्या कितनी हो सकती है, पांच हो सकती है। ठीक है, पांच हो सकती है वहां पर। तो अगर हम यहां विकल्प के अनुसार करें, ऑप्शन के अनुसार करें, तो जब ये पांच है तो पांच से क्या कोई सी संख्या डिवाइड हो रही है, केवल एक संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, कौन सी, 25, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो, व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो ये करना है आपको, तो कैसे करेंगे आप, 30% की वृद्धि होती है, ठीक है, कितने की होती है, 30% की वृद्धि होती है 100 + 30, तो कितना आपका, ऊपर कितना आपका ये 3000, नीचे कितना 130, ये जीरो से जीरो एक कट गया, तो जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना, 13 × 26, 4 बचेगा, ठीक है, 13 × 39, 13 × 39, उसके बाद में एक बचेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, तो एक 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13%, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए, कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आपका, चलिए बताइए क्या आपको क्या करना है इसमें, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है यहां से। तो देखिए हमारे एक कोड होते हैं कि मार्च का जो हम कोड लिखते हैं,
मार्च का जो कोड लेते हैं वो कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। डेट कितनी हमारी, 1, मार्च का कोड कितना, 4, ठीक है। उसके बाद में 2000 का कोड कितना, 6, ठीक है। और उसके बाद में लीप ईयर कितने हो जाएंगे इसमें, 5, लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। डिवाइड कितने से कर देंगे, डिवाइड कितने से कर देंगे, एक मिनट, ईयर 2020 कितना, 20। अब 6 और 1 7, ठीक है, 20 और 5 25, 25 4 29, 29 का मतलब हो गया 29 बटे 7, 7 का मतलब हो गया 7 चौक 28, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1। रिमाइंडर क्या बचा, 1। 1 हमारा क्या आया, ये शेषफल आया, क्या आया, शेषफल आया। और हमने 1 पे क्या आपको बता रखा है, 1 पे दिन होता है रविवार, क्या होता है, 1 पे दिन होता है रविवार। यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या दे रखा है, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3/4 के बराबर है। मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, मान के चलिए हम यहां पे एक्स ले लें, 2/3, ठीक है, मेरे चचेरे भाई के 3/4 के बराबर है। बराबर कितना करना है, वाई लीजिए, 3/4 आपको करना है, क्या करना है, 3/4 करना है। तो यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, 8x माइनस 9y इक्वल 0, इक्वेशन बना लीजिए 1, ठीक है। दूसरा, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले माइनस 3 करेंगे, उम्र मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्ष बाद के उम्र के बराबर होगी, कितना करेंगे, प्लस करेंगे, कितना करेंगे, प्लस करेंगे। यहां से निकालेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल कितना, 7। ये कौन सी इक्वेशन आपकी, सेकंड, कौन सी, सेकंड, ठीक है। अब यहां से अगर मान के चलिए हम यहां से y इक्वल 7 माइनस के x कर दें, ठीक है, क्या कर दें, y इक्वल 7 माइनस के x, तो हम यहां से इक्वेशन 1 में अगर इसको रख दें, वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, क्या करना है आपको, पुट करना है वैल्यू, ठीक है। तो कैसे होगी, कैसे होगी, 8x माइनस 9 7 माइनस के एक्स इक्वल 0 दे रखा है आपको, तो यहां से 8x माइनस के 9/63 और माइनस माइनस प्लस 9x इक्वल 0, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 8 एक मिनट, यहां पे ये एक्स माइनस के 7 होगा, ये आपका x माइनस के 7 होगा, वैल्यू आपकी x माइनस के 7 आएगी, x माइनस के 7 आएगी, तो यहां पे ये आपकी वैल्यू चेंज होगी, ये कितना हो जाएगा 9x और माइनस माइनस प्लस 63, ठीक है। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 63 इक्वल x या x इक्वल 63, x इक्वल 63, यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा आपको बतानी है, क्या बतानी है, मात्रा आपको बतानी है कि मात्रा कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम, यहां से क्वेश्चन को ज्यादा कुछ नहीं करना, कितना 250 ग्राम, 250 और परसेंट कितना 5, कितना परसेंट आपका 5, 5 से कितनी बार, 2 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, कितना आ जाएगा 12.5 ग्राम आ जाएगा, 12.5 ग्राम आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का एक तिहाई है। समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्या ऊंचाई, मान के चलिए ऊंचाई हमने क्या ले ली, ऊंचाई हमने h1 व h2, h1 व h2 हमने ले ली, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल क्या है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये लेना है आपको। तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 1/3 मल्टीप्लाई h2 इक्वल किया a मल्टीप्लाई h1। तो यहां से क्या हो जाएगा, h1 अनुपात h1 और h2 की अगर हम यहां से वैल्यू निकालें तो a से a कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो h अनुपात h2 क्या हो जाएगा, h1 की वैल्यू 6 और h2 की 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। देखो ऐसी जो संख्या होती है, उसको क्या करना होता है कि x इक्वल कितना, 4/3 में जोड़ने पर, क्या कह रहा है 4/3 में जोड़ने पर, तो इसको उल्टा कर दें, जो हमें संख्या दी है उसमें से इस वाली संख्या को घटा दिया करो, तो कितना आ जाएगा 3 * 9 माइनस के 4/3 कितना आ जाएगा 5/3, और 5/3 का होता है 1 सही 2/3। ऑप्शन के अनुसार हमें करना है, ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, 63 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा, -2 -8 -3, 8 * 2 = 10, 10 + 3 = 13, किसका आएगा -13। उसके बाद में भाग यहां पर लगा हुआ है, फिर कितना लिखा हुआ है 3, ब्रैकेट स्टार्ट है, यहां से क्या आएगा 6 + -2 और मल्टीप्लाई करके यहां पे आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में कितना हो जाएगा, आपका 63, चलिए इसको 66 कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 66 कर देते हैं, 66 यहां तक, ठीक है 66 हो गया। फिर उसके बाद में माइनस के कितना, करना है आपको, एक मिनट, बॉडमास आपको रोल फॉलो करना है, माइनस कितना मल्टीप्लाई यहां पे 13 * 39, कितना 13 * 39 ये ब्रैकेट और डिवाइड 6 * 2 = 8, यहां पे क्या आपका प्लस का सिंबल आपका, ये कितना 6 * 2 = 8, 8 * 3 = 24, ठीक है, माइनस करेंगे इनको, माइनस करके यहां से क्या आया जाएगा आपका, ये तो कितना बचेगा 63 से जब आप 39 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 24, कितना बचेगा 24 डिवाइड कितना करना है 24, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है आपका, 37 111 148 का लैस ज्ञात करना है आपको,
क्या करना है आपको लैसे ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे हम लैसे ज्ञात कैसे करते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे कितना लिखा है 137, 111 और 148, इनका हमें क्या निकालना है लैसे निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको दो से डिवाइड कराए 37, 111 और कितनी बार 2 × 7 = 14, 2 × 8 ठीक है, फिर दो से डिवाइड कर दीजिए 37, 111 और कितनी बार, इस बार जाएगा 3 × 6 और 3 × 7 = 34 ठीक है। अब कितने से करना है आपको, अब आपको करना है यहाँ पे इसको सबसे पहले आप 3 से डिवाइड करिए, 37 डिवाइड नहीं होगा, ये कितनी बार होगा 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21 फिर कितना 37। अब कितने से होगा आपका, अब 37 से ही होगा डायरेक्ट, ट्रिपल ये आपका 1 हो जाएगा ठीक है। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, 2 × 2 × 3 × कितना 37, कितना 37, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 में जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 7 = 84, 4 ठीक है, 12 × 3 = 36, 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 कितना हो गया 44, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था, उसी समय बी पाइप को चालू कर दिया गया, ऐसा करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे, पाइप बी को कितने घंटे चालू रखा गया था, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि कितने घंटे चालू रखा गया था बी वाले पाइप को। तो देखिए इसको हम कैसे करें, अभी तक आप सही बटे में आप करते हुए आए हैं, लेकिन इसको जो हमें एक हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, आपको इसको दूसरा तरीका बताते हैं कि आपको दूसरे तरीके से कैसे करना है। अगर मान के चलिए हम ए को मान लें x, ठीक है, ए का क्या x मान लें, यहां पे करिए आप कि x मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना 112 माइनस के x ठीक है, और माइनस किसको करना है c को, क्योंकि c पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है, तो c मल्टीप्लाई 112 इक्वल कितना आपको 1 करना है ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है कि x जो है आपका, ये जो x है ये क्या a है, ये जो x है ये क्या है आपका a है, और a कितने में कर रहा है 32 घंटे में, तो x अपॉन 32, फिर उसके बाद में यहां पर क्या करना है, हाँ ये वैल्यू ठीक है, और b प्लस x, a की वैल्यू रख दी हमने, उसके बाद में 112 माइनस के x, b कितने में कर रहा है, b कितने में कर रहा है, ये आपको 48 में कर रहा है, कितने में 48 घंटे में, माइनस के c, c वैल्यू कितनी 112 और c की वैल्यू कितनी है हमारी 64, कितनी है 64 खाली कर रहा है, इक्वल कितना 1। अब आप इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके प्लस और माइनस कर दीजिए, कैसे इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, हमें सबसे पहले अब इनका एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका 196 ठीक है, 192 कितना आएगा 192 आएगा, और 192 आएगा तो इससे कितना हो जाएगा, आप ये कितनी बार जाएगा लगभग 6 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 48 से कितनी बार जाएगा, 48 से जाएगा आपका ये 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 गुणा 4 करेंगे तो कितना है 448 माइनस के 4x, और यहां से कितनी बार ये
माइनस के कितनी बार जाएगा, तीन बार जाएगा, तो 112 गुणा तीन करेंगे तो कितना 336, 336 इक्वल कितना 1। अब इन सबको प्लस माइनस कर दीजिए, यहां से कितना बचा आपका x और x की वैल्यू यहां से कितनी 2x, यहां से 448 से 316 आपको क्या करना है माइनस करना है, तो कितना बचेगा 112, कितना बचेगा 112, ये कितना आपका प्लस का, ये आपका किसका प्लस का, और इक्वल में कितना 192, 2x इक्वल कितना हो जाएगा 192 माइनस 112, तो कितना हो जाएगा 0 और 8, ठीक है 80 हो जाएगा। यहां से x इक्वल कितना निकल के आ जाएगा आपका 40, क्या आ जाएगा आपका 40 आवर, ठीक है। b का आपको निकालना है, क्या निकालना है b का आपको निकालना है, तो कितना 112 माइनस के x आपको करना है, तो 112 माइनस के कितना 40 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 72 घंटे, कितना आ जाएगा 72 घंटे, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। अब ये बताइए कि जब 6 से विभाज्य है तो 2 और 3 से भी विभाज्य होगी, 2 और 3 से भी विभाज्य होगी, तो कौन सी है 2 से और 3 से जो विभाज्य होगी वो कौन सी संख्या आपकी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी, दोनों से ये डिवाइड हो जाएगी, आपको 2 से भी करना है और 3 से भी, 2 से भी करना है और 3 से भी डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे 5 4 9, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस के 8, 8 4 12, 12 2 24, 24 और 6 30, ठीक है इसका योग 30, इसके बाद में 6 2 8, 8 2 16, 16 और 4 20, 16 और 4 20, ये आपकी 2 से और 3 से डिवाइड करने हैं, ये आपको 2 से और 3 से डिवाइड करनी है, ये आपको 5 और 2 7, 7 6 5 11, 11 9 20, 20 और 9 29, 2 से और 3 से या 6 से, 2 से 3 से या 6 से डिवाइड करना है, उसके बाद में ये 4 3 7, 7 2 14, 7 21 और 1 22, 22 को 2 से 3 से या 6 से डिवाइड करके देखना है। केवल हमारा ये ऑप्शन जो है बी वाला ऐसा है कि जो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 14, 14 को कैसे करेंगे, 42 63 और 105 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। महत्तम समापवर्तक हम जो ज्ञात करते हैं वो हमारी ऐसी संख्या, हमारी ऐसी संख्या जो इन सब को सभी से डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड होके आएगी, तो कैसे, सबसे पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 42 से हम 63 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार, एक बार, 42 कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 2, ठीक है पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अब कितना 42, 42 से कितना 2 बार है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अब 21 से ही जब पूरा डिवाइड हो गया तो 105 को और डिवाइड करेंगे हम, तो ये कितनी बार हो जाएगा 5 बार, 5 1 5 और 5 2 10, तो हमारी जो संख्या है महत्तम समापवर्तक जो है वो क्या है 21, जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद ए अकेले काम करता है, ए अकेले काम करता है 5/7 कार्यों को पूरा करता है,
और फिर छोड़ जाता है, और फिर छोड़ जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे आप लिखिए क्या, यहां पर ए है, ठीक है, व्यक्ति, और यहां पे कार्य लिखिए, और यहां पे लिखिए समय। ए जो है एक दिन कार्य कर रहा है कितना, एक्स दिन, ठीक है। अब ए ही 5/7 कार्य कर रहा है, 5/7 कार्य कर रहा है कितने, 5/7 एक्स दिन में, 5/7 एक्स दिन में। उसके बाद में बी, बी अकेला पूरा, बाकी काम को बी अकेले पूरा करती है, कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगता है, कुल 90 दिन का समय लगता है। अगर ए 5/7 कार्य कर रहा है तो बी कितना करेगा, 2/7, बी कितना करेगा, 2/7 करेगा, और कितने दिन में करेगा वो, कितने दिन में करेगा, 90 माइनस के 5/7 एक्स दिन में करेगा। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा आपका, ये 630 माइनस के 5x/7, ठीक है, ये निकल के आया। बी का अगर एक दिन का हम कार्य निकालेंगे, एक दिन का निकालेंगे तो कितना, 630 माइनस के 5x/7 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 7/2 से कर देंगे, 7/2 से कर देंगे, तो कितना, 630 माइनस के 5x/2, ठीक है। a प्लस बी कितना कर रहे हैं, a प्लस बी कितना, 1/35, 1/35। अब a का कार्य कितना, 1/x प्लस बी का कार्य कितना, बी का कार्य कितना हो जाएगा आपका, 2/630 माइनस के 5x, और इक्वल कितना, 1/35, 1/35, ठीक है। यहां से अब आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसको अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई और सारी चीजें करनी होगी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 35, 630 माइनस के 5x और प्लस के 2x, ये पूरा निकल के आएगा यहां से, ठीक है, और इधर से निकल के आएगा x 630 माइनस के 5x, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए इनको सबको, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सभी को, ठीक है, करिए। ये आपका 5/7 बार डिवाइड हो जाएगा, 630 माइनस के ये कितना बचेगा आपका, 3x इक्वल ये आपका x, और यहां से 5 जब कॉमन हुआ था तो कितना, ये कितना बचेगा आपका, 126, 126 माइनस के x, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा 4410, ठीक है, माइनस के 21x, और यहां से कितना होगा आपका, 126x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब यहां से आप निकालोगे कि x स्क्वायर माइनस 147x, इसको यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस कितना, 4410, इक्वल कितना आपको, जीरो लेना है, क्या लेना है आपको, जीरो लेना है, ठीक है। तो यहां से जब आप इसका करेंगे, जब आप यहां से x इक्वल निकालोगे तो क्या वैल्यू जो आएगी आपकी, वो आएगी एक तो x इक्वल, एक तो आएगा आपका 42 और एक आएगा आपका 105,
क्या आएगा 105, जो आपका 105 आपका नहीं होगा तो वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 42, कितना 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दो गुना है, आधार उसकी ऊंचाई से दो गुना है, b इक्वल टू एच। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा b इंटू एच। समांतर क्षेत्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 392 और इक्वल कितना b इंटू एच। अब b की हमें वैल्यू दी हुई है 2h मल्टीप्लाई एच, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहां से कितना h स्क्वेयर, यहां से कितना h स्क्वेयर, दो से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार 196 बार, तो h स्क्वेयर कितना, h इक्वल कितना 196 अंडर रूट में, और h इक्वल कितना आ जाएगा आपका 14 मीटर में, कितना आ जाएगा मीटर में आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, 350 का 58% कितना होता है, 350 का क्या पूछा है आपसे, 350 का 58% कितना होता है यह आपसे पूछा हुआ है, तो डिवाइड कर दीजिए 0 से 0, 5 से 2 बार और 5 से कितनी बार 7 बार, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, लास्ट का डिजिट 3, लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करना है, 252 भाग 51 माइनस 27 माइनस, सबसे पहले आपको ये करना होगा, तो ये कितना 8 7 15, ये कितना हो जाएगा आपका 8 7 15, 9 माइनस के 15 यहां से आपका निकल के आएगा, फिर करोगे आप 252 भाग 51 माइनस 27, और ये कितना हो जाएगा यहां से कितना निकलेगा आपका माइनस के 6, और माइनस के 6 इसको क्या करेगा प्लस करेगा, तो प्लस के 6, 252 भाग 51 माइनस कितना 33 आपको करना है, 252 में अब कितने का भाग लगाना है आपको माइनस करके, ये माइनस करके कितना आएगा हमारा 51 से 33 जाएगा तो कितना 18, तो यहां से हमारा कितना निकल के आएगा 18 कितना बचेगा 5 और 2 7 18 4 72, मतलब 14 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया, सुबह सही 6 बजे सेट किया गया, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, तो दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई दे रहा होगा, ये आपको करना है। अच्छा ये बताइए कि सुबह के 6 बजे, मॉर्निंग के 6 बजे और दोपहर के 2 बजे, ये AM ये PM दोनों में डिफरेंस है कितने का 8 आवर का, मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 60 मिनट का, यहां से अगर हम मिनट बना लें इनको तो कितना ये 448 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये 480
848, 480 मिनट हो जाएगा। एक मिनट में कितने की वृद्धि हो रही है? एक मिनट में वृद्धि जो है वो कितने की है? 5 सेकंड की हो रही है। कितने की? 5 सेकंड की हो रही है। 480 में कितने की हो जाएगी? 480 मिनट में कितने की हो जाएगी? 5 गुना 480, 5 गुना 480, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2400 सेकंड। कितना? 2400 सेकंड बनेगा, ठीक है, 2400 सेकंड। अब 2400 सेकंड का आपको क्या करना है? इसको मिनट बना देना है। तो 60 से क्या कर देनी है? डिवाइड आपको कर देनी है। तो 6 चौक 24 कितना आ जाएगा? 40 मिनट। कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा आपका। तो 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? तो 40 मिनट और ऐड कर दीजिए आप, 2 में 40 मिनट ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 बजकर 40 मिनट। 2 बजकर 40 मिनट दो फेर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जिसका माप 45 डिग्री है। उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई क्या होगी जिसका माप 90 डिग्री है? कैसे? ये जो माप है वो क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। ये कितनी है? 45 डिग्री है, तो ये कितनी हो जाएगी? 45, ठीक है। ये कितना है? ये 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। इसको क्या मान लें? एक्स सेंटीमीटर मान लीजिए आप, ठीक है। क्या पूछा है अब आपसे? आपसे क्या पूछा है? बी सी और ए, ए सी आपको ज्ञात करना है, ए सी आपको ज्ञात करना है। तो क्या अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब जब ये बताइए आपकी ये 45 और 45 के सामने की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये 45 है तो इसके सामने की भुजा कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको भी हम लिखेंगे क्या? 8। तो यहां से 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस 64 का कितना हो जाएगा? 64 प्लस 64 का हो जाएगा 8 अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां से कितना बैठेगा आपका? 128 को क्या करोगे आप? 64 गुणा 2 क्या करोगे? 64 गुणा 2 करोगे तो भी हमारा क्या आएगा? 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। कॉस 4a माइनस कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4 इक्वल एक्स। तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप इसको? इसको करिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल कितना? एक्स। इक्वल कितना? एक्स, ठीक है। हमने अलग अलग उसमें तोड़ दिया। अब यहां से कितना आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? एक्स। क्योंकि इसकी वैल्यू कितना होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। अब इसको साइन को तोड़ लीजिए आप। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल एक्स। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल एक्स। यहां से क्या आ गया आपका? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1 इक्वल एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या पूछा है आपसे? एक्स इक्वल पूछा है। तो एक्स इक्वल क्या आ गया हमारा? ये आएगा 2 cos square माइनस के 1। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22।
क्या पूछा है आपसे? कॉस ए अपॉन वन माइनस साइन ए, अलग अलग कर दीजिए इसको आप, इसको अलग अलग कर दीजिए। कैसे? इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए वन प्लस साइन ए से, वन प्लस साइन ए से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए वन प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा आपका क्या, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर क्या, ऊपर हो जाएगा आपका ये कॉस ए वन प्लस साइन ए, ये कितना हो जाएगा, यहां से आपका ये हो जाएगा वन माइनस के साइन स्क्वायर कितना होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से ये पावर कट जाएगी, ये कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इनको अलग अलग कर दीजिए आप, इनको अलग अलग कर दीजिए कि वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहां से कितना बना आपका ये सेक ए, प्लस यहां से कितना बना आपका ये टेन ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। कैसे निकालेंगे? यहां तक ऐसे, ठीक है। सॉरी, कितना है 90 डिग्री, कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री। त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है L, आपने ये मान लिया, ठीक है। अब L स्क्वायर, तो L इक्वल आपको क्या करना है, 2 पाई R मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360, ये आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो 2 गुणा 22/7 गुणा R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 मल्टीप्लाई थीटा कितना आपका 90 और कितना 360, 90 से कितनी बार, 4 बार, ठीक है। अब 7 से कितना, 0.5 बार, 7 से कितना ये आपका 0.5 बार बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 2 से कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से कितनी बार, 11 बार, तो कितना बचा 11 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितना आ जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछे आपसे, मूल पूछा है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात आपको करने हैं। आपको क्या करना है, मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो यहां से कैसे करेंगे मूल ज्ञात, कैसे करेंगे आप, देखो 21x² माइनस में आपको दिया है। अब हमें इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें और घटा के या जोड़ के हमें कितना लेके आना है, 37 लेके आना है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 28 और 21 की, तो कितना आएगा, 8 और 2 6 और 5, कितना 8 8 और 5। हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के और जोड़ के कितना लेके आना है, ये हमें 37 लेके आना होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे 49 और 12 की करते, तो 2 × 18 2 × 8 9 और 49 8 8 और 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 49x और प्लस के 12x, माइनस के 28 इक्वल कितना, 0, ठीक है। अब यहां से कितना 7x कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना बचेगा आपका 3x माइनस के 7, और यहां से कितना कॉमन ले लें हम, प्लस के 4, तो कितना 3x माइनस के 7 इक्वल कितना,
जीरो, 3x माइनस के 7 और 7x प्लस के 4 इक्वल आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। तो एक तो x के कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 3 किसका, प्लस का होगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 7, माइनस का 4 अपॉन 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्या 7x प्लस के 6y इक्वल 5xy, 10x माइनस के 4y इक्वल 4xy। तो x और y का मान ज्ञात करें, x और y का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना होगा। अब कैसे करना होगा हमें वो देखिए, हमें वैल्यू दी गई है कि 7x प्लस के 6y इक्वल 5xy, इक्वेशन 1 दिया हुआ है, और 10x माइनस के 4y इक्वल 4xy, इक्वेशन सेकंड दी गई है। अगर हम इसमें माइनस का ये वैल्यू है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 से करें, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा 7 × 2 = 14 प्लस के 6 × 2 = 12y और इक्वल 5 × 2 = 10xy। ये कितना, 10 × 3 = 30 एक्स माइनस के 12y और इक्वल 4 × 3 = 12xy। अब क्या करना है आपको, ये आपको करना है, ठीक है। तो कितना, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 30 और 14 कितना, 44x इक्वल कितना, 12 × 10 = 22x, x और y। तो x से x कट गया, y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो y इक्वल क्या आ गया आपका, 2। y इक्वल यहाँ से क्या आ गया आपकी, 2 निकल के आ गई। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, 7x प्लस के 6 × 2 = 12 इक्वल, y की वैल्यू रख दीजिए, y का 2, तो यहां से कितना, 5 × 2 = 10x, 5 × 2 = 10x। तो यहां से कितना बचेगा आपका, ये 7 को इधर ले जाइए, तो कितना, 3x इक्वल 12 और x इक्वल कितना आ जाएगा आपका, 4। अब x की तो वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई आपकी 2, 4 और 2 जोन से भी ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, 26 आपको, 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है, कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है। तो ये हमने एक पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराया था, क्या कराया था, पहले तो ऊपर जो लेनी है आपको बड़ी गेंदों का आयतन लेना है, बड़ी गेंदों का आयतन लेना है, तो 4/3 pi और r की पावर क्या लेना है, 3 लेना है, क्यों, क्या है, व्यास वाली होने पर कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है, तो r की पावर यहाँ कितनी लेनी है आपको, 3, ठीक है। ये कैपिटल में लेना है और नीचे क्या लेना है आपको, स्मॉल में लेना है, r की पावर 3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, ये आपकी ऊपर कितना हो जाएगी, 8, कितनी हो जाएगी, r जो निकालेंगे यहां से निकालेंगे, 16/2 इक्वल कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और स्मॉल r कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर, स्मॉल r आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो कितना, 8 × 8 × 8 डिवाइड कितना, 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 2 = 4, या एक को काट दीजिए, किसी भी एक को काट दीजिए आप, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो कितना हो जाएगा, 64, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 27
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपसे कि 25 मीटर की लंबी और 12 मीटर की चौड़ाई के एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुकती हुई फर्श है। वह अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा और दूसरे ओर 3 मीटर गहरा। इस पूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? कितने पानी की आवश्यकता होगी? तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हमें कैसे करना है वो आपको देखना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करें, ठीक है, अब इसी पे आपको एक और बनाना है, इसी पे आपको क्या बनाना है, एक और बनाना है। इस तरीके से कुछ कुछ इस तरीके से बनाना होगा आपको ये, ठीक है, कुछ आपका इस तरीके से बनेगा। वैल्यू दे दीजिए ए बी सी और डी, उसके बाद में ई एफ जी और एच। ठीक है, लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, 25 मीटर और 12 मीटर लंबाई है, और गहराई कितनी है एक पर 2 और एक पर 3, यही दिया है। अब यहां पर अगर हम ए बी सी डी का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 3/2 5 गुणा 12, तो यहां से कितनी बार 6 बार, ये कितना 6 बार, तो कितना 30 मीटर स्क्वायर। स्विमिंग पूल का आयतन निकालेंगे, स्विमिंग पूल का आयतन कितना, आयतन हो जाएगा आपका 30 गुणा 25 मीटर, तो कितना 75 750 मीटर स्क्वायर, 750 मीटर क्यूब, आयतन निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, उसके बाद में अब क्या निकाल रहे हैं, स्विमिंग पूल का आयतन, स्विमिंग पूल का आयतन। ठीक है, क्या निकालना था आपको, स्विमिंग पूल का आयतन आपको निकालना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल का आयतन हो जाएगा। ठीक है, वरना आपको एक दूसरा तरीका और था, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं सभी भुजाएं सर्वांगसम होते हैं, किसमें होते हैं, समचतुर्भुज में, जो आपका समचतुर्भुज होगा, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, सभी भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं समचतुर्भुज में, कौन से में, समचतुर्भुज में, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई कितनी है, 6√3, जिसका माप 60 सेंटीमीटर, जिसका माप कितना 60 सेंटीमीटर है। जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था हाइट एंड डिस्टेंस का, ये सेम क्वेश्चन है आपका, कोण कितना है हमारा 60 डिग्री, लंबाई कितनी दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोण कितने का हो जाएगा आपका 30 का, ये कितने का आपका 90 का। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, विपरीत पक्ष की लंबाई आपको ज्ञात, भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, लंबाई ज्ञात करवा रहा है आपको, ए बी और सी आप वैल्यू रख दीजिए।
ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा आपका, टेन सिक्सटी इक्वल कितना, टेन सिक्सटी इक्वल कितना होता है आपका एपी अपॉन बीसी, इसकी वैल्यू अंडर रूट थ्री और इसकी वैल्यू अंडर रूट बीसी, तो बीसी इक्वल कितना हो जाएगा, बीसी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, बीसी इक्वल आ जाएगा आपका सिक्स, बीसी इक्वल आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ये वाली भुजा, अब आपको ये वाली भुजा निकालनी है कि इसका मान क्या आएगा। तो इसका कैसे निकालते हैं हम, वही ए बी स्क्वायर, ए सी आपको निकालना है, तो ए सी के आपका अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए बी कितना है आपका, ए बी है हमारा 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3 का कितना होगा, छतम 36, 6 का 36, 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपको करना है और प्लस बी सी का क्या करना है, 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका निकल के आएगा 108 प्लस 36 कितना, 144, कितना 144 का आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, कितनी है 16 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का माप कितना दे रखा है, त्रिभुज का माप दे रखा है 45 डिग्री और इसकी लंबाई है कितनी 16 सेंटीमीटर, ये कितने का आपका 90 का, तो ये कितने का बचेगा आपका 45 डिग्री का, कितना बचेगा 45 डिग्री का बचेगा, क्या निकालना है आपको साइन 45 इक्वल, साइन 45 इक्वल क्या होता है आपका एबीसी, एबीसी में क्या होता है आपका एबी अपॉन एसी, एबी अपॉन एसी होता है, साइन 45 की वैल्यू आपको कितनी 1/√2, 1/√2, एबी की वैल्यू कितनी आपकी 16, एसी की आपको निकालना है, तो एसी इक्वल कितना आ जाएगा आपका 16√2 सेंटीमीटर में, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 अपराध क्या है, अपराध न्यायालय, जिस प्रकार अपराध का फैसला न्यायालय में होता है उसी प्रकार रोग का फैसला कहाँ होगा, अस्पताल में होगा, रोग का निवारण कहाँ होगा आपका अस्पताल में होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। आलसी कार्य, जिस प्रकार कार्य न करने वाले को आलसी कहा जाता है, वर्क न करने वाले को इंडोलेंस कहा जाता है, उसी प्रकार कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहा जाता है, क्या अल्पभाषी कहा जाता है, किसको, कम बोलने वाले को, कम बोलने वाले मतलब बोलने वाले स्पीक वाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करना है आपको, TGRI पहला दिया है आपको TGRI, दूसरा WDUF, फिर आपका NHLI, फिर आपका ZAXC। अब देखिए T से R क्या है माइनस के दो और G से I क्या है आपका प्लस के दो, W से U क्या है आपका प्लस के दो और D से माइनस के दो और D से U क्या है आपका प्लस के दो। ठीक है, सभी यही चल रहा है। उसके बाद N से L क्या है आपका माइनस के दो और H से I कितना है आपका प्लस के वन, Z से X क्या आपका माइनस के दो, AC से क्या आपका प्लस के दो, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर C, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज करके देख रहे हैं कि कौन सा हमारा कलर चल पाएगा कौन सा नहीं चल पा रहा है, ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, रेड क्या चल पाएगा, रेड भी सही चल पाएगा, चलिए मोस्टली हमारा व्हाइट ही हमारा कलर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35
इसमें भी आपको विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द कैसे चुनना होगा अब आपको, वो आपको देखना है कि विषम शब्द हम कैसे चुनेंगे, विषम कैसे सुनेंगे। बी से ई क्या होता है, बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे, और जी होता है हमारा कितने पे, 7 पे, प्लस के 3, प्लस के 2, ऑप्शन नंबर बी। के होता है हमारा 11 पे, एम होता है हमारा 13 पे, और ओ होता है हमारा कितने पे, 15 पे। ओ होता है हमारा कितने पे, 15 पर। तो कितना, प्लस के 2 और प्लस के 2। क्यू होता है हमारा 17 पे, टी होता है 20 पे, और वी होता है हमारा कितने पे, 22 पे। प्लस के कितना, 3 और प्लस के 2। यहाँ प्लस के 3, यहाँ प्लस के 3, प्लस 2, प्लस 2, यहाँ पर क्या हमारा प्लस के 2 दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौथे को आप करना चाहे कर लीजिए। जी आपका कितने पे होता है, 7 पे। जे कितने पे होता है आपका, 10 पे। और एल पे एल क्या था, कितने पे होता है, 12 पे। कितना, प्लस के 3 और प्लस के 2। ठीक है, नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है हमारा, 36 क्या है आपका, 6 का स्क्वायर। 64 क्या आपका, 8 का स्क्वायर। 81 क्या आपका, 9 का स्क्वायर। 46 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कह रहा है कि राम पश्चिम की ओर 6 फुट जाता है। राम जो है पश्चिम की ओर 6 फुट, मान के चलिए प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, यहां से चलना प्रारंभ किया, 6 फिट गया, कहता 6 फिट पश्चिम की ओर चला, बाई ओर मुड़ता है, बाई ओर मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, वो नीचे की साइड में चलेगा, और कितना चलता है, 8 फिट चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 फिट चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो किस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा और 4 फिट चलेगा। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 8 फिट जाता है, 8 फिट। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर, प्रारंभिक स्थान उसका ये है और यहां तक वो पहुंच गया, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, टोटल हमारी कितनी, 6। टोटल कितनी, 6। तो जब यहां से 4 यहां तक ये चल गया तो कितनी बचा, 2 फिट बचा। कितना बचा, 2 फिट बचा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। दो महिला एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं। दो महिला एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं। ए महिला पश्चिम में 3 मीटर जाती है। पश्चिम में ए चलना प्रारंभ करती है और 3 मीटर चलती है। ठीक है, फिर वे अपने बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो नीचे की साइड में कितना, 10 मीटर चलती है। फिर वे अपने बाएं मुड़कर 9 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी और इसके 9 मीटर जाएगी, 9 मीटर चलती है। उसी समय बी पूरब की ओर 6 मीटर चलती है। बी जो है यहां से पूरब की तरफ कितना चलती है, 6 मीटर चलती है, 6 मीटर। ये टोटल 9 चली, वो यहां पर कितना, बी चल रहा है, बी चल रही है। बी उस फिर बी 6 मीटर में चलकर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 2 मीटर चलती है। दाहिनी ओर मुड़ेगी तो किस साइड में, नीचे की साइड में आएगी, नीचे की साइड में कितना, 2 मीटर। यहां तक वो आगे और ए यहां तक। क्या पूछा है, ए की स्थिति से बी कहां पर है, ए की स्थिति से बी कहां पर है। ए हमारा यहां पर है और बी हमारा यहां। ए की स्थिति से अगर हम दिशा देखें तो डायरेक्शन, अगर हम देखें तो डायरेक्शन होगी हमारी उत्तर की दिशा में। कौन सी में, उत्तर की दिशा में होगी। बी जो है ए से उत्तर दिशा में। दूरी कितनी, ये टोटल 10 थी, 2 मीटर वो पहले चल गई, मतलब बी चल गई, तो अब कितनी बची, वो 8 मीटर। कितना बची, 8 मीटर। तो उत्तर में 8 मीटर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है, वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है। मतलब उसकी पत्नी का क्या हुआ, भतीजा हुआ, भाई का बेटा। लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं,
उस आदमी का बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, कैसे? एक आदमी ने कहा, यहां पर लिखिए, यहां पर आदमी ने कहा, वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। मतलब ये जो है, इसकी इनकी जो है वो एक इकलौती संतान है। ठीक है, इस आदमी की इकलौती संतान है, उस आदमी का बेटा, ये जो है अब इस आदमी का बेटा, क्योंकि ये क्या है, इकलौती संतान, इस आदमी का बेटा उस लड़के से, मतलब इस लड़के से किस प्रकार संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध बनेगा। तो ये क्या बनेगा, इसकी मामी, ठीक है, और इसकी ये क्या, बुआ। बुआ तो क्या हो गया, चचेरा भाई, चचेरा भाई बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कजिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कजिन बोलेंगे। कजिन में क्या आएगा, हमारा फुफेरा भाई आएगा, क्या आएगा, फुफेरा भाई, बुआ का बेटा, बुआ का बेटा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्या कह रहा है हमारा, 39 हमारा क्या कह रहा है कि अर्थ दिया हुआ आई, और इसका जो अर्थ दिया है वो क्या दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले ये अर्थ देखना है, तो इसका जो अर्थ है आप ये देखिए, यहां दिया हुआ है ये वाला, सबसे पहला जो अर्थ है वो यहां दिया हुआ है। क्या अर्थ है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का पुत्र है। अब आपको यहां पे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ए जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है, उसके बाद में इन दोनों में रिलेशन देखना है। क्या परसेंटेज का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी का पिता है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका आई, और यहां पे आएगा आपका जी। जी जो है वो एच का पिता है, जी जो है वो एच का पिता है। ठीक है, ये क्या है, पुत्र है, मतलब प्लस, इसका जेंडर क्लियर नहीं अभी हमारा कोई भी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, एच इसका ए बी का भाई है, मतलब एच जो है वो के का भाई है, एच जो है वो के का क्या है, भाई है। के एक पुरुष है, के एक पुरुष है, ठीक है, ये भी क्या हुआ, मेल हुआ। तो क्या होगा, आई के का पुत्र है, आई जो है वो के का पुत्र है, ये तो गलत होगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि के का ये हमारा पुत्र नहीं है। फिर आई के का पिता है, आई के का पिता भी नहीं होगा। आई जी का पोता है, आई जो है वो जी का पोता है, ये भी गलत है। आई के का भाई है, आई के का भाई है, ये होगा हमारा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, क्या करना है आपको, इनको एक सही क्रम में आपको बताना है, इसको एक सही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, मकान, छत, नींव, लिंटल, पलस्तर या फर्श। तो सबसे पहले होती है आपकी फाउंडेशन, क्या होती है, सबसे पहले होती है आपकी फाउंडेशन नींव। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका थ्री वाला, थ्री वाला हमारा कौन कौन से ऑप्शन में, ए और बी ऑप्शन में, कौन से में, ए और बी ऑप्शन में। ठीक है, नींव के बाद में क्या होता है,
नीव के बाद में आपका डाला जाता है लिंटर, लीव के बाद में आपका क्या डाला जाता है, फिर डाला जाता है आपका लिंटर, लिंटेल, ठीक है। लिंटल के बाद में आपका क्या क्या डाला जाता है, लिंटल के ऊपर होती है हमारी छत, लिंटल के ऊपर होती है हमारी छत, मतलब दूसरे नंबर वाला रूफिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद में उन सब पे होता है क्या, पलस्तर, फिर क्या होता है हमारा, पलस्तर होता है। पलस्तर के बाद में क्या, फर्श होता है, फिर फर्श होता है, और फर्श के बाद में तब हमारा पूरा मकान होता है, तब हमारा पूरा मकान होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 3, 6, 18, 72, 2160 क्या करना है, श्रृंखला को पूरी करनी है, श्रृंखला को पूरा करना है। 3 से कितना 6, 6 से 18, 18 से 72, 72 से आपको देखना है क्या, और फिर 2160 लास्ट में। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई देखें कि मल्टीप्लाई 2, यहां से कितना मल्टीप्लाई 3, यहां से कितना मल्टीप्लाई 4, अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई 5 कर दें तो क्या आएगा, 5 × 2 = 10 और 7 × 5 = 35 और 36 360 आएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्या आएगा 360 आएगा। 360 से क्या ये हमारा मल्टीप्लाई 6 है, तो 600 × 36, 6 बचेगा, 6 × 3 = 80 और 321, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा, 42 में क्या होगा, देखिए 42 आपको दिया हुआ है, 63, 72, 81, 90 और 108, क्या यहां से कितना, 63 से 72 को अगर हम देखें तो क्या प्लस के 9, यहां से कितना प्लस के 9, यहां से प्लस के 9, यहां से जब आप प्लस के 9 करेंगे तो क्या आएगा, डबल 9, क्या आएगा डबल 9, और यहां से जब आप प्लस के 9 करेंगे तो 108, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा, 43 क्वेश्चन दिया हुआ है, V डबल N मतलब V हमारा एक, N हमारे दो, V हमारा एक, N दो, V फिर हमारा स्टार्ट हो गया, V डबल N डबल V, इस बार क्या आएगा, इस बार क्या आएगा, इस बार आएगा हमारा V डबल N ट्रिपल V, क्या आएगा ट्रिपल V, मतलब हमारा जो V है वो V हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा N तो हमारा सेम है, N तो हमारा सेम, यहां पर एक भी नहीं है लास्ट में, यहां पर एक हुआ फिर दो हुआ, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, B, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए क्रीमेशन, एक्कोलेड, मैस्ट्रो, क्रोम, अब आगे क्रोम के बाद में क्या आएगा, क्रोम के बाद में क्या आएगा हमारा वो हमें देखना है, तो क्या आएगा बताइए, देखिए करेंगे कैसे, इसको किस तरीके से दिया गया है हमारा, CREMATION, 3, 3, 6 और 3, 9, ठीक है, ACCOLADE, 3, 3, 6 और 2, 8, मतलब यहां से कितना हुआ, एक कम हो गया, यहां से एक कम हो गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका दिया हुआ है मैस्ट्रो, क्या दिया हुआ है मैस्ट्रो, MASTRO, 3, 3, 6 और 1, 7, यहां से एक कम हो गया, ठीक है, CH
R O M E क्रोम, 3 और 3 6, फिर यहां से एक कम हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहां से माइनस के वन करके कितना लेके आना है, 5, 5 वर्ड का आपको अक्षर देखना है। 5 वर्ड का अक्षर आपका कौन सा है, जेब्रा, कौन सा है, जेब्रा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपको क्या दिया हुआ है, ई डी बी ए, ठीक है, सॉरी के जे एच जी क्यू पी एन एम। अब आगे हमें देखना है कि क्या आएगा, आगे हमारा क्या आएगा। अगर हम ई से की के को देखें तो कितना प्लस के 6, के से क्यू को देखें प्लस के 6, तो क्यू से जब आप प्लस के 6 करोगे 17 और 6 23, 17 6 23, 23 का मतलब हो गया आपका डब्लू, ठीक है। डी हमारा 4 पे होता है, जे हमारा 10 पे होता है, तो कितना प्लस के 6, ये कितने पे होता है, 16 पे प्लस के 6, 16 6 22, 22 पे क्या आएगा आपका वी, विक्ट्री का साइन, विक्ट्री का साइन, ठीक है। उसके बाद में ए से जी प्लस के 6, अच्छा बी से एच प्लस 6, एच से एन प्लस के 6, एच से प्लस के 6 करेंगे आप तो क्या आएगा हमारा, तब आएगा हमारा एन 14 6 20, टी आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, डब्ल्यू वी टी और एस, डब्ल्यू वी टी एस मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है, दिया हुआ है आपको 4138 इक्वल आपको दिया हुआ है 2134, 2134 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको 8484 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, 4 से 2 हुआ 2 का डिवाइड, 1 से 2 हुआ मल्टीप्लाई 2, वो मल्टीप्लाई 1, 3 से मल्टीप्लाई 1, 8 से 4 हुआ भाग 2, भाग 2, यहां पर भाग करना है आपको 2 का तो कितना 4, मल्टीप्लाई 1 की करनी है तो 48, डिवाइड कितने का करना है 2 का करना है तो कितना 2, 4482 मतलब ऑप्शन नंबर सी, 4482 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, फॉरगेट को आपको क्या लिखा हुआ है, फॉरगेट को आपको लिखा हुआ है डी डबल पी एच सी यू लिखा हुआ है, तो उसी कोड भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो एफ से डी हुआ, एफ से डी हुआ, यहां पर कितना हुआ माइनस के 2 हुआ, डी से माइनस के 2 करेंगे, डी से माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा बी आएगा। ओ से पी हुआ, ओ से पी हुआ कितना हुआ प्लस के 1, ओ से प्लस के 1 पी, आर से पी हुआ माइनस के 2, आर से पी हुआ माइनस के 2, सी से माइनस के 2 करेंगे तो क्या आएगा ए आएगा, बी पी ए, बी पी ए हमारा, ये हमारा ऑप्शन कट गया, ठीक है। उसके बाद जी से एच हुआ प्लस के 1, जी से एच हुआ प्लस के 1, टी से प्लस के 1 होगा तो टी, टी के बाद में क्या आएगा आपका यू आएगा, क्या आएगा यू आएगा, डी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में ई से हमारा सी हुआ माइनस के 2, ओ से आप माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा एम, क्या आएगा एम आएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा कट गया, और लास्ट में एक बढ़ जाएगा आपका टी के माइनस के 1 होगा, यह क्या होगा माइनस के 1, टी से प्लस के 1 हुआ और आर से कितना हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है,
वन इक्वल टू, वन इक्वल वन दिया हुआ है आपका, वन इक्वल वन, टू इक्वल थ्री, थ्री इक्वल फाइव, फोर इक्वल सेवन, तो फाइव इक्वल आपका क्या आएगा, तो फाइव इक्वल क्या आएगा, अगर हम वन प्लस जीरो करें तो वन, टू प्लस के वन करें तो थ्री, थ्री प्लस के टू करें तो फाइव, फोर प्लस के थ्री करें तो सेवन, फाइव प्लस के फोर करें तो कितना, नाइन, क्योंकि यहां पे जीरो एक दो तीन और चार, ये इस तरीके से आपको करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, नाइन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि 876 इक्वल आपको दिया हुआ है 765, मतलब इसमें से आपको 11 आपको क्या कर देना है, घटा देना है, तो सेम आपको 964 में से जब आप 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 853, 853 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि वर्ग पुरुषों को दर्शाता है, वर्ग जो है हमारा वो किसको दर्शा रहा है, पुरुषों को दर्शा रहा है, ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, पुरुष को दर्शा रहा है। ठीक है, त्रिकोण जो है, त्रिकोण जो है वो किसको दर्शा रहा है, जूड़ो को दर्शा रहा है, जूड़ो, वृत्त जो है वो कराटे, ये किसको, कराटे। ठीक है, और ये जो हमारा आयत है, ये आयत किसको दर्शा रहा है, महिला, आयत किसको, महिलाओं को दर्शा रहा है। अब हमें पूछा क्या है इसमें, जो कराटे खिलाड़ी, जो कराटे खिलाड़ी कौन कौन है, ए एफ और सी, कराटे खिलाड़ी हैं और जूडो खिलाड़ी भी हैं, जूडो खिलाड़ी भी हैं, जूडो कौन है, जूडो ये है, आयत, आयत ये होगा आपका, ठीक है, वो नहीं है आयत आपका, ये होगा, ये वाला नहीं है आपका आयत, ये गलत लिख गया आपका, आयत ये नहीं, ये वाला होगा आयत आपका। ठीक है, जो जूडो खिलाड़ी, जो कराटे खिलाड़ी हैं और जूडो खिलाड़ी हैं, और जूडो खिलाड़ी हैं, जो पुरुष हैं, जो पुरुष हैं, उनको बताना है आपको, तो कौन होगा, वो कौन होगा बताइए, जो कराटे खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ये वाले पुरुष हैं, कौन है, एफ, कौन है, एक तो एफ है, जूडो खिलाड़ी हैं, जूडो खिलाड़ी कौन है, जूडो खिलाड़ी कौन है, यहां से बी, जूडो खिलाड़ी कौन है, जो कराटे खिलाड़ी हैं और जूडो खिलाड़ी, जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है, ये क्या है, पुरुष है, ये पुरुष नहीं है, तो बी और एफ, बी और एफ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें, इसमें पूछ रहा है आपसे आरेख मराठियों, एशियाई और भारतीयों के बीच संबंध को दर्शाना है, संबंध को दर्शाना है आपको, तो वो कैसे संबंध हम दर्शा सकते हैं, कैसे संबंध हम दर्शाएंगे इसमें, कि जो मराठियां हों, देखिए जितने भी मराठी होंगे, जितने भी मराठी होंगे वो सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे, क्या होंगे, भारतीय, और जितने भी भारतीय हैं वो सभी क्या है, एशियाई,
क्या है? ACI। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब 52 में पूछा है कि वैकल्पिक चित्र चुने जिसका एक हिस्सा नीचे दिया गया चित्र होगा। इसका जो चित्र है वो कौन से ऑप्शन में से दिया गया होगा? कौन से ऑप्शन में दिया गया होगा? तो अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी पर हम चलते हैं, तो बी पे हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये क्या दिया हुआ है, ये आपको पार्ट जरूर देखना होगा, ये वाला पार्ट हमें देखना होगा, तो इस वाले पार्ट में वो कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ए वाले में अगर हम देखें तो ए वाले में भी नहीं है, सी वाले में भी नहीं है, तो कौन से में होगा हमारा? वो इस वाले में होगा। इस वाले में कहां से होगा? देखिए, इस पे गए हम, इस पे आए, इस पे गए और इस पे आ गए, ठीक है। बाकी आपको सारे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर हमारा 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया हुआ हमारा? 0.125 प्लस आपको दिया हुआ, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई कितना? 32। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है आपको? माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है आपको प्लस, फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा है आपको? मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है आपको भाग, क्या दे रखा है आपको? भाग दे रखा है। तो अब इसको करेंगे, यहां से अगर मैं इसको 125 लिखूं और नीचे तीन जीरो में बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत? 32 प्लस, यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18, कितना हो जाएगा आपका? 18, ठीक है। 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो 25 चौका 100, 25 जीरो जीरो, ठीक है, तो और 25 से कितनी बार? 25 पंजे 125, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद में कर दीजिए आप 5/40 × 32 + 18 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए अब आप इसको, तो 5 से कितनी बार? ये 8 बार, और 8 से कितनी बार? 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 18 × 4 = 22, क्या हो जाएगा? 18 × 4 = 22 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है हमारा? जो हमारा दे रखा है पूर्व अनुमान जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें? पारिस्थितिकी इकोलॉजी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या इकोलॉजी से अगर हम क्या करें? कन्वर्जेशन ऑफ इकोलॉजी लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या डेवलपमेंट होगा? क्या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा? बताइए आप, क्या डेवलपमेंट हो सकता है टेक्नोलॉजी का? किससे? इकोलॉजी से। उसके बाद में अजम्पशन आपको क्या दिया हुआ है? अजम्पशन दिया हुआ है आपका यहां, फर्स्ट अजम्पशन दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी की परस्पर निर्भर है। क्या है? परस्पर निर्भर है। सेकंड आपको दिया हुआ है प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी संरक्षण पर निर्भर करता है, ये जरूरी नहीं है कि संरक्षण पर ही निर्भर करेगा। तो यहां से केवल आपका एक ही पूर्व अनुमान आप क्या होता है? निहित होता है, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला हमारा क्या गलत है? केवल हमारा फर्स्ट वाला क्या है? सही आंसर है। सेम क्वेश्चन आपका क्या है? स्टेटमेंट आपको दिया है बाघ उड़ते नहीं है, मुर्गी उड़ती नहीं है, निष्कर्ष बाघ पक्षी है, बाघ पक्षी है, तो पहला तो हमारा ये गलत हो गया, सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है, क्या कि सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
केवल सेकंड सही निकलता है, केवल सेकंड सही निकलता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है, हाल ही में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप सभी को पता है क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग नगर नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और कब किया गया था वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि 16 अक्टूबर 2018 को किसने, यूपी के मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ द्वारा, ठीक है। हाल में चर्चा में रहा आर्मी नामक कीड़ा किस फसल को नुकसान पहुंचाता है, किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है मक्का को, किसको पहुंचाता है, मक्का को पहुंचाता है। और ये कहां का कीड़ा, ये अफ्रीकन कीड़ा है, ये आर्मी जो है अफ्रीकन कीड़ा, ठीक है, जिससे नुकसान होता है मक्का को, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 58 धर्म गार्जियन 2018, संयुक्त सैन्याभ्यास का संबंध निम्न में से किन देशों से संबंधित है, किन देशों से संबंधित है, ये कौन कौन से देश हैं, ये कौन कौन से देश हैं? तो ये हैं भारत और जापान, ये हैं भारत और जापान, ऑप्शन नंबर ए। और ये कब हुआ था, 2018 में दे रखा है, तो ये हुआ था आपका 14 नवंबर 2018 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 59, नौवहन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक कार्गो हैंडलिंग निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर हुई, कौन सा बंदरगाह था जिस पे सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग, बोलते हैं हम हिस्सेदारी, तो कौन से पर हुई थी, वो हुई थी कांडला पर, किस पर, कांडला पर हुई, कांडला पर कितनी हुई आपकी, 17.08% सबसे ज्यादा हुई थी, किस पर, कांडला पर। चलिए मैं आपको लिखे दे रहा हूं, उसके बाद में जेएनपीटी पर जो हुई थी वो हुई थी हमारी 10.14%, ठीक है। उसके बाद में विशाखापत्तनम पे हुई थी आपकी 9.25%, ठीक है। उसके भी बाद पारादीप पे जो हुई थी वो हुई थी हमारी 15.4%, कितनी हुई, 15.4%, मतलब सबसे पहले ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे हमारा ये, और फोर्थ पे हमारा ये, विशाखापत्तनम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हाल ही में भारत में पहली इंजन रहित ट्रेन को लॉन्च किया गया, इस ट्रेन का नाम क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, कौन सा, ट्रेन 18। चेन्नई के इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ने भारत की पहली इंजन रहित स्वदेशी ट्रेन का निर्माण किया, ठीक है। चेन्नई के, ये याद रखना, कहां पर, अगर ये पूछा जाए आपसे तो कहां, चेन्नई के इंट्रीग्रल कोच फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61। भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के लिए सितंबर 2018 में गठित 8 सदस्य खोज समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो कौन थे? वो थे आपके रंजन प्रकाश देसाई। रंजन प्रकाश देसाई ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। क्यूएस ब्रिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? कौन सा संस्थान है सबसे पहले आपसे पूछा है, तो क्या है, क्या है बताइए। सबसे ऊपर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। कौन सा है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और ये कहां का है? ये है आपका चीन का। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कहां का है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कहां का है, चीन का। ठीक है, दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो रहा था वो रहा था पेकिंग। दूसरे नंबर पे ये आपका दूसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर ये, और ये तीनों जो है वो चीन की ही यूनिवर्सिटी है, और ये हमारी आई आईटी बॉम्बे है वो भारत की 8वीं रैंक पर रही थी। कौन से पर रही थी? 8वीं रैंक पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में भारत का किस देश के साथ $75 बिलियन का द्विपक्षीय करेंसी स्वैप अग्रीमेंट संपन्न हुआ? तो किसके साथ में हुआ है, किसके साथ में हुआ है? वो हुआ है जापान के साथ। किसके साथ में? जापान के साथ में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब? मोदी ने अपने जापान दौरे के समय, प्रधान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जब जापान का दौरा जो किया था उसमें $75 मिलियन मूल्य के द्विपक्षीय करेंसी स्वैप अग्रीमेंट का अग्रीमेंट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या है? हाल ही में किसे हृदयनाथ पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया? तो किसको किया गया है? वो किया गया है मोहम्मद जहर ख्याम हासिम को। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कौन थे ये? ये थे हमारे एक संगीतकार। कौन? संगीतकार, गीतकार, लेखक। ठीक है, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीत निर्देशक मोहम्मद जहर ख्याम हाशमी को हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 65। किसे हाल ही में संपन्न ग्रीस में युवा ओलंपिक 2018 में भारत का ध्वज वाहक चुना गया था? ध्वज वाहक चुना गया था, और ये कब से कब तक? ये 6 से 18 अक्टूबर 6 से 18 अक्टूबर 2018 में किसको किया गया था? मध्य, और कहां पर हुआ ये? अर्जेंटीना। कहां पर? अर्जेंटीना। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है अर्जेंटीना में। कहां पर? किसको, किसको, कौन थे वो? मनु भास्कर। कौन? मनु भास्कर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या है? एक शूटर। क्या है? शूटर है के रूप में शूटिंग स्टार मनु भास्कर को चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था, किसका किया था? थल सेना का किया था, आर्मी का किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? यह किया था आपका 5 जुलाई 1943 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? किसमें है? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या सिक्स्थ शेड्यूल? तो वो है आपका सिक्स्थ शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपका। ठीक है, राष्ट्रपति किसके परामर्श में सदस्य के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के पक्ष, विरोधी पक्ष के नेता या मंत्रिपरिषद? तो वो करते हैं आयोजित और स्थगित जो करते हैं वो करते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। उसको उन सभी सत्रों को आयोजित भी करते हैं और स्थगित भी करते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकट का समय लगता है, कितना समय लगता है ये आपसे पूछा है। कौन सा? 69 का आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 8.311 मिनट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी को पता है आपको। फिनलैंड की राजधानी क्या है? 70 क्वेश्चन नंबर 70, फिनलैंड की राजधानी क्या है बताइए? क्या है फिनलैंड की जो राजधानी है वो है आपकी हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उसके बाद ताशकंद जो है वो किसकी है? उज्बेकिस्तान की। किसकी है? उज्बेकिस्तान की। ठीक है, उसके बाद में बर्न किसकी राजधानी है? बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की। उसके बाद में डबिन, डबिन जो है वो आपकी आयरलैंड की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, 71 का क्या है? क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है? आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन, त्वरण में परिवर्तन। यहां पर आपका ये अलग है। ठीक है, ये वेलोसिटी है और यहाँ पे एक्सीलरेशन है। तो आपका जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? संवेग में परिवर्तन। आवेग जो है वो किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। और अगला क्वेश्चन आपका, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है, त्वरण कम हो जाता है, ग्रह की त्रिज्या में घटने पर, ग्रह की द्रव्यमान में वृद्धि, ग्रह की मात्रा में कमी, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 73, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है
तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? घूर्णन की धुरी, घूर्णन की रेखा, घूमने वाली क्षण या निर्धारित रेखा। तो उसको हम बोलते हैं कि घूर्णन की धुरी। घूर्णन की धुरी हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे घूर्णन की धुरी या घूर्णन अक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, गैस की प्रकृति के आधार पर बढ़ेगा या घटेगा? या घटेगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, जब यहां से यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ पर बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहां से? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? पानी, बर्फ, एथिलीन या एसीटोन? तो किसका ज्यादा होता है? वो होता है आपका पानी का। किसका होता है? पानी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहां से? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पानी का जो है वो, पानी का क्या घनत्व जो है वो कितना होता है? 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, उसके बाद में बर्फ का कितना होता है? बर्फ का होता है आपका 0.917 ग्राम सेंटीमीटर की थ्री। ठीक है, एसीटोन का आपका होता है कितना? 0.7 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। और एथिलीन का होता है कितना? एथिलीन का घनत्व जो होता है वो आपका होता है 1.1749 E 03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किस प्रकार की आण्विक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? इनमें से कोई नहीं, स्थानांतरण, घूर्णीय या कंपन। 76 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या किस प्रकार की आण्विक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? क्या ऊष्मगति में किसी निकाय में अंतःवृष्टि ऊर्जा को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं? किसी निकाय में उपस्थित कार्यकारी पदार्थ के अणुओं की गति में स्थानांतरण, घूर्णन, कंपन से आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप लिख लेना एक नोट बनाकर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? परिक्षेपण किसे द्योतित करता है? ए डिस्पर्शन इंडिकेट्स, मानक विचलन का मान, केंद्रीय माप के आसपास डाटा का प्रसार, मोड का मान या माध्य का मान? या माध्य का मान। तो क्या होगा? मानक विचलन का मान, मानक विचलन का मान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी बच्चों को ये जानना जरूरी होगा।
ऑप्शन ए क्या कहता है, क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। क्या ये सही होगा हमारा ऑप्शन? गलत होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सूर्य पर्वतों में से निकलता है, लाल को छोड़ के अन्य सभी रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्यों? क्योंकि लाल को छोड़ के सभी रंग क्या हो जाते हैं आपके, प्रकीर्ण हो जाते हैं। दैट ऑल अदर कलर स्केटर अवे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट रेड, ठीक है। क्या? जब सूर्य उदय होता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचाने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसको उसका इन कणों से प्रकीर्णन हो जाता है। अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप जानते हैं कि सबसे कम होता है, अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग की अधिकता रहती है। लाल रंग हम तक सबसे अधिक पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 79। तो वो किस पर करेगी? कंपन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाद्य यंत्र में तारों की लंबाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, कंपन का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ध्वनि की तरंग का रूप, वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी वाला? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। वैद्युत अवक्षेपित में इलेक्ट्रोड तार होता है, जिससे होकर हजारों वोल्ट गुजरता है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करता है? एक लौ, वैद्युत क्षेत्र, कोरोना या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो किसका करता है? वो करता है कोरोना का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा? वह सब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। बल बढ़ेगा, बल घटेगा, बल वैसा ही रहेगा, या बल घटना चालू होने से पूर्व अधिकतम तक पहुंचने के लिए बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 81 का? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 82। नाभिकों के रेडियोएक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? गामा किरणें, पराबैंगनी तरंगें, सूक्ष्म तरंगें या रेडियो तरंगें। तो कौन सी होती है हमारी, वो गामा किरणें। कौन सी होती हैं? वो गामा किरणें होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है तो बताइए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जल वाष्प अंश सही है, लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर वायु की गति और सिस्मोग्राफ भूकंप। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? गुरुत्व आपको मापना है तो किसे मापेंगे? ऑप्शन नंबर यहां पर विस्कोमीटर का उपयोग करके, ओडोमीटर का उपयोग करके, हाइग्रोमीटर का उपयोग करके या हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर
डी हमारा क्या हो जाएगा यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण कहते हैं, उर्वरीकरण कहते हैं, संदूषण कहते हैं, या कंपोस्टिंग कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 85 का हो जाएगा आपका किण्वीकरण, फर्मेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथिल आइसोसाइनाइड या साइनोनेज। तो कौन सी थी वो? मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आईटी में बेड विथ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका किया जाता है? मेमोरी मैनेजमेंट का, मेमोरी इंटरलिविंग का, मेमोरी इंट्रा लिविंग का, मेमोरी लिविंग का। तो किया जाता है मेमोरी इंटरलिविंग का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। संतुलन में एक शरीर, संतुलन में एक शरीर स्थिर त्वरण के साथ चल सकती है, हमेशा विश्राम की स्थिति में रहती है, स्थिर वेग के साथ चलती चल सकती है, विविध त्वरण के साथ चल सकती है। क्या होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन होगा संतुलन में एक शरीर स्थिर त्वरण के साथ चल सकती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ों पर विचार करें, जोड़ आपको बनाने हैं। क्या परमाणविक नाभिक की आमाप 10^-15, लाल रुधिर कणिका का आकार 10^-4, पृथ्वी की त्रिज्या 10^-8, या आकाशगंगा की आमाप 10^-18? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए ओनली वन हमारा ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहां से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट कब आता है? जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो, जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुंचे, जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर यहां से हो जाएगा आपका बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होती है, प्रत्येक रिलेशन की कम से कम एक फॉरेन की होती है, फॉरेन की का एक की का शून्य मूल्य नहीं हो सकता, प्राइमरी की अल्टरनेट की भी होती है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी होती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? हैक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या एप्पल। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है, कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो कौन सा है वो? वो है आपका मशीन लैंग्वेज। क्या है आपका? मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर।
दशमलव संख्या 101 को द्विपदीय में परिवर्तित करें। इसको क्या करना है आपको, द्विपदीय में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो परिवर्तित हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जरा, 101 को हमें द्विपदीय में करना है। तो कितना, 50 और 0, ठीक है, यहां पर कितना, 1 बचा 2 से, 25, यहां पर कितना बचा, 0, 2 से कितना, 12 दूनी 24, 1 बचा, फिर कितना, 2 से 6 बार, 0 बचा, 2 से 3 बार, 0 बचा, फिर 3 से 3 बन जा, वो 2 से, 2 से काटेंगे 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया। तो द्विपदीय में कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, ये इधर से ऐसे हम चलेंगे, इधर से ऐसे हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 वन जीरो वन डबल जीरो वन वन, ठीक है, 10 100 और 11, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये हमें क्या होता है, ये हमें उल्टी क्रम में लिखे होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या एल्यूमिनियम, तो वो है आपका एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है, खनिज जल, आसूत जल, झरने का पानी या उबला हुआ पानी, तो कौन सा होता है आपका, आसूत जल, डिजिटल वाटर, डिजिटल वाटर, ऑप्शन नंबर बी। में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, फाइटोमॉर्फोलॉजी या कोशिका विज्ञान, तो किसमें किया जाता है, वो किया जाता है आपका फाइटोमोफॉर्मोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 98, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किस से है, सूंघने से, सुनने से, स्पर्श से या स्वाद से, तो किससे है वो आपके, किससे है आपके वो, स्वाद से, स्वादन क्या लिया हुआ है, स्वाद, स्वादन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका, गैस्ट्रेशन रेफर्स ऑफ द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे वो, टेस्ट से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है या मैग्नीशियम होता है, तो क्या होता है वो आपका, मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है, किसके कारण होती है बताइए, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन से होती है, जल का प्रकाश अपघटन से होती है या CO2 की कमी या क्लोरोफिल का टूट जाना, तो वो होता है आपका जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।